हल्द्वानी के बनभूलपुरा, राजपुरा, गांधीनगर के दर्जनों लोगों ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से घंटों बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईटेंशन तारों के लिए सेफ्टी वायर नहीं लगाए गए और जिस वजह से भी बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विद्युत विभाग को 1 महीने के भीतर व्यवस्थाओं को सुधारने की चेतावनी दी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भैया, लगभग 10 दिनों से हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइट नहीं है और हम किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं, जेई या ए को, तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारा। अब ऐसी कंडीशन में जब हमारा कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ का जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से लाचार हो चुका है, गूंगा बहरा हो चुका है, कोई सुनने को हमारी बात राजी नहीं है। क्षेत्र में बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, वो इस बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लाइट ना होने के कारण पानी नहीं आता, पानी नहीं होगा तो बच्चा नहाएगा नहीं, विद्यालय नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर लाइट व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो हमारा यूथ कांग्रेस पूरे शहर में आंदोलन करेगा। देखिए, लगभग 15 दिनों से जो है बिजली विभाग की जो है लापरवाही देखने को साफ दिख रही है। पूरे शहर के अंदर कहीं जगह जो है 5 मिनट के लिए लाइट दे रहे हैं तो 3 घंटे की पूरे पूरे दिन की कटौती कर दे रहे हैं। और एक आज जो है हम यहाँ पे पूरा यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है और अधिशासी अभियंता जी को हमने क्या आए थे मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, जो कि उनकी अभी गैर मौजूदगी में हमने जो सहायक अधिकारी को ज्ञापन दिया है, वो मांग की है कि लाइट की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, अन्यथा नहीं तो जो यूथ कांग्रेस जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेगी।